हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रायबली ब्लॉगर। मैं आप सबका दोस्त, इस चैनल का होस्ट। इस वीडियो में मैं आज आप सभी को रायबरेली जिले के मेन सिटी के बारे में बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप सब वीडियो में बने रहे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप सब मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप सभी को बता दूं, यह रायबरेली का सुपरमार्केट जो कि काफ़ी घनी आबादी वाला क्षेत्र है, जिसकी वजह से यहां पर आप सभी को काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिल जाएगा। जो यह रास्ता आप सबको नज़र आ रहा है सामने, यह सीधा घंटाघर की तरफ गया है। आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं, आप सभी को रायबरेली के सुपर मार्केट में ही SBI बैंक का मेन ब्रांच मिल जाएगा, जो कि रायबरेली जिले का काफ़ी बड़ा और फेमस ब्रांच है। थोड़ी दूर चलने के बाद अब हम आ चुके हैं घंटाघर चौराहे के पास। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये घंटाघर चौराहा है, जो कि काफ़ी ट्रैफिक वाला क्षेत्र है। ये जो रास्ता आप सबको साइड में नज़र आ रहा होगा, ये रेलवे स्टेशन की तरफ गया है, जो कि रायबरेली जंक्शन के नाम से जाना जाता है। यहाँ से रेलवे स्टेशन की दूरी लगभग 500 मीटर की है। यह रास्ता आप सभी को रेलवे स्टेशन रास्ता के नाम से काफ़ी फेमस है। जो ये रास्ता आप सबको अंदर नज़र आ रहा होगा, ये सब्जी मंडी की तरफ गया है। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ का काफ़ी खूबसूरत नज़ारा। जैसा आप सबको नज़र आ रहा होगा कि हम आ चुके हैं अब रेलवे स्टेशन के पास। यह जो रास्ता आप सबको दिखाई दे रहा होगा, यह रेलवे स्टेशन के अंदर की तरफ को जाता है। यहाँ से आप सभी को लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली, काफ़ी जगह के लिए ट्रेनें मिल जाएंगी। रायबरेली जंक्शन काफ़ी बड़ा जंक्शन है। यहीं के जस्ट सामने आप सभी को होटलें देखने को मिल जाएंगी, जो कि काफ़ी अच्छी होटलें हैं। अगर आप सब बाहर से आते हैं तो यहाँ पर रेंट के लिए रूम ले सकते हैं। यहाँ पर कई होटलें हैं, जिनका नाम है चरण होटल है। काफ़ी अच्छी अच्छी होटलें हैं यहाँ पर, काफ़ी अच्छी अच्छी सुविधाएँ हैं। जो कि यह रास्ता गया सिटी के अंदर को गया है, और इसी रास्ते से पकड़कर सिटी के बाहर से हम निकल जाएंगे। अब सब वीडियो बने रहे, वीडियो देखते रहे, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली। से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें आप सभी को बता दूं, रायबरेली उत्तर प्रदेश के लखनऊ डिवीजन का एक छोटा सा शहर है, जो कि लखनऊ से लगभग 80 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। आप सभी को रायबरेली से जुड़े कुछ फैक्ट बता दूं, रायबरेली में आप सभी को नेशनल पावर कॉरपोरेशन मिल जाएगा, जो कि ऊंचाहार में स्थित है। इसी के साथ आप सभी को रायबरेली में FDDI फैशन डिजाइनिंग एंड फुटवेयर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट मिल जाएगा, जो कि फुर्सतगंज में स्थित है। जस्ट उसी के बगल में आप सभी को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़न एकेडमी मिल जाएगी। अब हम आ चुके हैं कहारों का अड्डा अली मियां चौक के पास। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, यह काफ़ी फेमस तिराहा है, जो कि यहाँ पर मांसाहारी की दुकानें हैं, प्रिंटिंग प्रेस की दुकानें हैं, और काफ़ी ज़्यादा दुकानें हैं यहाँ पर। यह क्षेत्र मांसाहारी के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है रायबरेली में। और यह रास्ता सीधा कैपरगंज की तरफ जाता है और बस स्टॉप की तरफ भी निकलता है। अभी हम आ चुके हैं रायबरेली के कैपरगंज में। यह काफ़ी फेमस है ज्वेलर्स के लिए। यहाँ पर आप सभी को ज्वेलर्स की काफ़ी बड़ी बड़ी दुकानें मिल जाएंगी। ज्वेलरी से कोई भी संबंधित काम हो तो आप कैपरगंज में आ सकते हैं। जो यह रास्ता आप सबको नज़र आ रहा होगा, यह रास्ता सीधा घंटाघर की तरफ गया। घंटाघर से होते हुए यह सिविल लाइन की तरफ निकल जाता है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, हम घंटाघर चौराहा फिर वापस आ चुके हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब।